लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज बिगुल चुका बज है। चुका है। हरिद्वार हरिद्वार लोकसभा लोकसभा सीट से सीट से बीजेपी ने बीजेपी पूर्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी है, तो वहीं हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रही भावना पांडे ने आज अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। भावना पांडे को बीएसपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रत्याशी घोषित किया है। भावना पांडे ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा पूजा अर्चना कर जीत का दावा किया है। मैंने बीएसपी ज्वाइन करी है और बहुजन समाज पार्टी, और मैं सबका आभार व्यक्त करूंगी। बहन मायावती ने मुझ पर जो विश्वास जताया उनको भी धन्यवाद करूंगी। शमसुद्दीन नारायण जी का धन्यवाद करूंगी, हमारे नरेश भाई गौतम जी का, शीशपाल भाई का, और जितने भी मानगढ़ मेरे बड़े भाई हैं उनका सबका धन्यवाद करूंगी। और आज इन्होंने मुझे जो विश्वास जताया, मैं इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ, दो दो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे इनका एक संगठन है बहुत बड़ा। और दूसरा क्या है कि दलित और मुस्लिम वोट बिखरा हुआ है, कभी भाजपा इनका इस्तेमाल करती है, कभी कांग्रेस इस्तेमाल करती है। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं होता और काम के लिए इनको कोई नहीं करता इनका काम। इन लोगों को वोट लेते समय तो इनके हो जाते हैं और काम के समय ये बीएसपी के होते हैं। चुनाव मैदान में उतारा गया, यहाँ से टिकट दिया गया। 2024 का चुनाव भावना पांडे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी पर लड़ेंगी। क्या लोग लड्डू खा रहे, मिठाइयाँ खा रहे, मिठाइयाँ बढ़ रही। कल कल से यहाँ माहौल बदल चेंज हो चुका पूरे प्रदेश में। लोकसभा हरिद्वार का 101% जीत होगी। कार्यकर्ताओं में जोश, कार्यकर्ताओं की दम्पर, जो बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता हमारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मैं विश्वास करके काम करने का काम कर